我呢贾金策से तो जी साहब अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो चाबी। कोई अगर शादी या पार्टी वाला आते हैं ना तो खोल देना ताला। ठीक है। सर मैंने अनसॉल्व केसेस के कुछ फाइल्स निकाले हैं, अगर आप फ्री हैं तो आ जाओ डिस्कस कर लें। अदिति एक्चुअली मैं किसी पर्सनल काम से बाहर आया, कुछ दिनों में मेरे दोस्त जगन की बेटी की शादी है। वेन्यू के लिए उन्होंने एक बंगलो बुक किया है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ। काम खत्म करके मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके सर, ठीक है। सुरेश हाँ, 3 दिन प्लीज नो वर्क, शादी में आपको वहां ही रहना है। जगन लगता है यहाँ की लाइट गई है, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आएगा। कार में टॉर्च चले आता। कमाल है, यहाँ का वॉचमैन भी कहीं नहीं दिखा। बंगले का दरवाजा भी खुला हुआ है। एक काम करना। हाँ। यहां से सीधा जाके लेफ्ट जाओगे ना तो वहां पे मीटर रूम है। ओके। जस्ट स्विच ऑन द मेन स्विचेस। ठीक। मैं जब तक सेतु को देखता हूँ। हाँ, केयर टेकर। ओके। या यू हैव अ टॉर्च? हाँ, मेरे पास फोन पे है। आई मैनेज। या सेतु, सेतु,
रितु 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 सुरेश सुरेश जगन जगन सुरेश जगन व्हाट हैपेंड जस्ट लुक एट इज ही डेड ओ ही इज डेड शिट मैंने उस आदमी को मरते हुए देखा है ऐसे लग रहा था कि वॉचमैन के मुंह से धुआं निकल रहा है पता नहीं क्या हो रहा है जगन काम डाउन मैं देखता हूं काम डाउन ओके सुरेश प्लीज मैं अभी आया जस्ट रिलैक्स ओके जस्ट रिलैक्स अदिति जगन शायद शॉक में है लेकिन मुझे भी ये नेचुरल डेथ नहीं लग रही है लेकिन फिर भी हम ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट करते हैं देखते उससे क्या कंफर्मेशन मिलता है ठीक है सर मैं राजन को बोल के यहाँ की लाइट फिक्स करवाती हूँ ठीक है मैंने घर ले जाता हूँ राजन पुलिस स्टेशन चलिए आपसे कुछ बात करनी है राजन क्या हुआ राजन कोई और भी था मैडम मैं जब वहां से निकला ना तो दरवाजे पर ताला लगवा कर निकला था तो उसके बाद अगर वहां कोई आया होगा तो मुझे नहीं पता मैडम मैम पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था लेकिन कॉज ऑफ डेथ कुछ और ही है मुझे भी इसी बात का शक था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चल पाया यही पता चला है कि पेशेंट की मौत एसिड के कंजम्पशन की वजह से हुई थी क्योंकि मुंह और गले से लेकर पेट तक सब कुछ जल गया था जो सिर्फ केमिकल कंजम्पशन की वजह से ही हो सकता है
लेकिन सरप्राइजिंगली हमें बॉडी में किसी भी केमिकल या एसिड का कोई भी ट्रेस नहीं मिला और मैंने विक्टिम की बॉडी पर जलने के कोई निशान भी नहीं देखे थे। डॉक्टर नीति, क्या अटॉप्सी से ये पता चल पाया है कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या थी या वो किस टाइप का केमिकल था? अटॉप्सी से हमें एसिड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसीलिए मैंने ह्यूमन बॉडी से कुछ सैंपल केमिकल स्पेशलिस्ट को भेज दिया है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ कि एसिड काफ़ी हाई स्ट्रेंथ का था और मौत कुछ ही मिनटों में हुई होगी। हाँ साहब, हो गया, फ्यूज उड़ गया था ना। अच्छा, और सुनना भी, ये शादी वादी की लाइट्स कहीं मत लगाना, ठीक है? पता नहीं ये 150 अगर आगे बढ़ जाए। और हाँ, चल एक और जगह दिखाता हूँ उधर को। सब और भी लाइट है क्या कुछ? हाँ दिखा रहा हूँ इधर, ये लाइट दिख रहा है तेरे को? हाँ हाँ, ये हमेशा टिमटिमाता रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे पता होता तो तुझे बुलाता क्या यहाँ पे? ठीक है, देखता हूँ, बाहर भी इसकी वायरिंग है ना? जो भी है चेक कर। करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। हेलो, हाँ बोरा साहब बोलिए। सर, अटॉप्सी रिपोर्ट पढ़ के मुझे यकीन हो गया है कि सेठू की डेथ नॉर्मल नहीं है, और उस घर में मुझे कुछ तो अजीब लगा, ऐसे में वहाँ शादी करना। दानी की शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हैं और जगन ने कहा कि लास्ट मिनट पर कोई दूसरा वेन्यू भी नहीं मिलेगा और डेट भी आगे नहीं हो सकती। इनफैक्ट उसने सारे पेमेंट्स कर दिए हैं, इनवाइट्स बच चुके हैं, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया है और लड़का भी 1 हफ्ते के लिए USA आ चुका है। मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि वेन्यू बदलने की जरूरत ना पड़े। I also hope so, Aditi. Okay, sir. Jai Hind. अरे साहब, ये तो वायर टूटा हुआ है। अरे अरे साहब, साहब मैं गिर जाऊंगा, साहब हिलाओ मत, साहब साहब। अरे कुछ मेरे को भी तो तैरना नहीं। राजन, पहले आप यहाँ आराम से बैठिए। राजन, मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ? वो भूत बगले में गया था, सबसे बहुत अजीब सा लग रहा था, और आज आज मैंने वो वहाँ पर देखा बैठा। कैसे? कोई थी वहाँ पर लाल कपड़ा में, उसके बाल उड़ रहे थे मैडम, और जबकि वहाँ पर कोई हवा भी नहीं चल रहा था, और मैडम मेरा जो इलेक्ट्रिशियन था सोमो, वो अपने गले दबा दबा कर मार रहा था। सोमो ने खुद को मार दिया? मैडम मुझे कुछ नहीं पता मैडम, ये सब मुझे कोई भूत का चक्कर लग रहा है मैडम, अगर ये अफवाह फैल के ना मार्केट में तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, मैंने एक एक पैसे जोड़कर पूरा ये बंगलो खरीदा है मैडम। राजन जी, आपने वो बंगलो कब खरीदा? एक तो महीने पहले डील हुई थी मैडम। आप घबराइए मत, एक काम कीजिए, उस बंगलो की चाबी मुझे दे दीजिए, और जब तक मैं नहीं कहूँ आप और आपका कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, आप घबराइए मत, आप घर जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगी। हेलो अदिति मैम, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि दोनों ही विक्टिम्स की मौत एक ही जैसे हुई है। मतलब सोमू की डेथ भी केमिकल बर्निंग से हुई है? आई हैव अ डाउट मैम, जब तक एसिड की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है डॉक्टर।
बर्बाद कर दूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे? प्लीज डोंट शूट मी, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इस घर के मालिक राजन ने धोखा दिया है मुझे, मैं बर्बाद कर दूंगा इसे। छोड़ दो इसे, पागल पर मत करो, नहीं तो गोली चला दूंगा। जला दूंगा इसे। छोड़ो इसे, नहीं तो गोली चलाऊंगी। मुझे उस राजन से बदला लेना था। कैसा बदला? राजन और मैं बिजनेस पार्टनर थे, हम दोनों ने मिलकर पटाखे का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बिजनेस एक साल में ही घाटे में चला गया। मेरे सर पर इतना कर्ज हो गया, मेरा दिवाला निकल गया था। और राजन? राजन ने मुझे धोखा दिया। हमारे बिजनेस में जितना भी फायदा हुआ, जो भी पैसा आया, उसने धोखे से सब का सब अपने बैंक खाते में डाल लिया और उसी से उसने वो बंगलो खरीदा। अगर ये बात सच है तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? अपने बदले के लिए किसी बेकसूर को क्यों मारा? मारना? मैंने किसी को नहीं मारा। इलेक्ट्रिशियन और वॉचमैन को मारा। मैं सच कह रहा हूं मैम, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो दो हफ्ते से मेरे दोस्त के घर पर था। झूठ बोल रहे हो। अब मेरा यकीन मानिए, मैं तो पहली बार उस बंगलों पर गया था। हाँ दीदी बोलो। सर डॉक्टर नीति ने अभी अभी कंफर्म किया है कि सेतु और सोमू की डेथ का कॉज इंटरनल बर्निंग है। एक और बात सर, मैंने शांतनु को ब्रेकिंग एंड एंटरिंग के चार्जेस पे अरेस्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों का खून उसने किया है, क्योंकि अटैक के टाइम पे शांतनु वाशी में था अपने दोस्तों के साथ। दोस्त ने कहीं झूठी स्टेटमेंट तो नहीं दी है? सर अगर ऐसा है तो वो सच भी सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर शांतनु को राजन से बदला लेना था तो वो उसे जिंदा छोड़ के इलेक्ट्रिशियन और वॉचमैन को क्यों मारता? और वैसे भी जब सेतु पर अटैक हुआ तो आप और मिस्टर बोरा तो वहीं पे थे ना? केस तो और भी उलझता जा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दोबारा उस बंगलों में जाके चेक करती हूँ। श्योर, गो अहेड। ओके सर, थैंक यू। अंजलि निवास? Thank you.
कौन हो तुम? वो 3 दिन में मेरी शादी है, मैं यहाँ पे डेकोरेशन देखने आई थी। तानी बोहरा जी, मैं एसपी अदिति शर्मा। आप सुरेश अंकल के साथ काम करती है ना? पापा ने मुझे बताया था। लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? घर पे सब लोग बात कर रहे थे, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। पापा शादी की डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रोहित की मम्मी मान ही नहीं रही। शादी कैंसिल होने तक बात आ गई है। घर पे सब लोग बोल रहे थे कि ये शगुन विला नहीं, कोई भूत बंगला है। मैंने सोचा कि मैं भी आके देखूं यहाँ पे सच में कोई भूत है भी या नहीं। लेकिन ये गलत बात है तानी, यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो गई है, तुम्हें इस तरह से यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तानी! ठीक हो? मैंने वो भूत वो मुझे मार देगी। तानी हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा, कहीं कोई इंजरीज तो नहीं है? नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो घर पे सबको पता पड़ जाएगा, माँ और बाबा मेरी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर देंगे, मेरी और तानी की शादी कैंसिल हो जाएगी। प्लीज प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहीं पे डॉक्टर को बुला लूंगी। यहाँ से आओ। आराम से। तानिया उस तरफ से। तुम ठीक हो? रोहित, डॉक्टर की बातों का ध्यान रखना, और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम दोनों उस बंगलों में वापस नहीं जाओगे। जी, आई थिंक मैं अब चलना चाहिए। चलो तानी, लेट्स गो। तानी, कम, लेट्स गो। तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ है? तानी ने कल से कुछ नहीं खाया है। पापा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे कुछ बता भी नहीं रही है। पापा आप आइए, मैं बात करता हूँ। तानी, 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 पापा क्या कह रहे हैं? तुमने कल से कुछ खाया नहीं? पापा को बताओ, हमारे बीच सब ठीक है। यू लव मी राइट? देखो बेटा, 2 दिन के बाद शादी है,
प्लीज आपके जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व कर दो प्लीज। तानी अंजलि ने बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं है मैडम कि शांतनु किसी का खून कर सकता है। अब आप तो कह रही थी कि 2009 में उस बंगले में कोई दो मर्डर्स हुए थे। मर्डर था या सुसाइड ही पता नहीं, कि अनसॉल्व केस है। मिथुन वर्मा और उनके पिताजी सुरेश वर्मा दोनों की ही डेथ एक ही हफ्ते में एक ही जैसे हुई थी, इंटरनल बर्न से। अब सेठू और सोमू जैसे, बताओ मैडम मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आपने ये घर किससे खरीदा था? क्या बताओ मैडम, मेरी तो अभी तक मकान मालिक से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। मैं तो बस उस ब्रोकर से ही जो जानकारी मिल रही थी और उसी से बातचीत चल रही थी। एक बार वो ब्रोकर मिल जाए तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, रद्द होके पास कहीं का। मतलब ब्रोकर ने आपको बताया नहीं था कि वहां पे दो डेथ्स हुई थी? नहीं मैडम, आप खुद सोचिए, कौन चाहेगा उस वैसी जगह पर शादी के मंडप लगाने का। बस ब्रोकर ने मुझे बताया था कि ओनर और उनके जो बेटे और उनके पति की मौत होने के बाद जो है वो घर छोड़कर चली गई थी। बस अब उसे पैसों की जरूरत थी तो मकान बेचना चाहती। आप मुझे अपने एग्रीमेंट की कॉपी दे दीजिए, मैं ओनर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स खुद निकालूंगी। 15 कपड़े हैं भैया। नीतू वर्मा जी, मैं एएसपी अदिति शर्मा, आपसे कुछ बात करनी है। उस वक्त जो भी था डिटेल्स मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। अब 8 साल बाद वो सब बातें करके आप मुझे तकलीफ क्यों दे रही है? आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे सवालों के जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। 19 फरवरी 2009 में मेरे पति चल बसे। उसके 2 दिन बाद मेरा इकलौता बेटा मिथुन ने मुझसे छीन लिया गया। उसके बाद में वो घर छोड़ के इस घर में आई। इकलौता बेटा नीतू जी, आपके बंगलों का नाम अंजलि निवास था, ये अंजलि कौन है? देखो मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। दादी, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? टीचर ने हमें 2 घंटे का फ्री पीरियड दिया, हमने बहुत सारे गेम्स खेले, हमें बहुत मजा आया। क्या हुआ दादी, आप इतने सैड क्यों? कुछ नहीं, तू अपने कमरे में जा और चेंज कर दे। नीतू जी, बच्चा कौन था? ये मेरे मिथुन का बेटा है। और उसकी माँ? अंजलि। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम उसको मिथुन की बीवी बना के इस घर ले आए, सब कुछ बर्बाद करके रखा उसने।
मेरे पति और मेरे बेटे का खून करके भाग गई। भाग गई? नीतू जी, आपके पति और मिथुन के केस फाइल में अंजलि का नाम कहीं मेंशन नहीं हुआ है, तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि अंजलि ने उन दोनों का खून किया था? इनफैक्ट केस फाइल में तो ये भी नहीं लिखा है कि वो खून था। अगर आप जो बात कह रही है वो सच है तो आपने पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? देखो, जो सच था मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया था। अब आपकी फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो मुझे नहीं मालूम। आप मुझे मेरे पोते को शांति से रहने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप यहां से जा सकती। मैम, जुहू पुलिस स्टेशन से राव साहब ने आपके लिए फाइल भेजा है। ठीक है, वहां रख दो। अंजलि वर्मा की FIR है। ये भी अंजलि वर्मा के नाम पे। मैम, ये केस मुझे आज भी याद है। यह औरत बार बार अपने पति और उसके फैमिली के खिलाफ कंप्लेन करने आती थी, लेकिन उनके पति और फैमिली वालों का कहना था कि अंजलि वर्मा ने परेशान करने के लिए झूठी कंप्लेन की थी। अब कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था समझ में नहीं आया। हमें तो एक टाइम पे ये भी लगा कि अंजलि वर्मा ने ही अपने पति और ससुर का खून किया था, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला और वो फिर फरार हो गई। ठीक है, तुम जा सकते हो। पहले सुरेश वर्मा और मिथुन वर्मा, और अब रिसेंटली सेतु और सोमू, सारे विक्टिम्स मेल हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं लगता है? सर, हमारी पुलिस टीम को भी शक था कि अंजलि ने ही अपने ससुर और पति को मारा था, लेकिन इतने सालों बाद ऐसे ही मर्डर्स फिर से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है मिसेस वर्मा जरूर कुछ बात छुपा रही है। यू आर राइट सर। ये देखिए, आदित्य, ये सारे तो मिथुन और उसके फादर के खिलाफ अंजलि से लिखवाए गए कंप्लेंट्स हैं। घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, अंजलि के ससुर ने बलात्कार करने की धमकी भी दी थी। सर, मुझे लगता है कि नीतू वर्मा ही अब हमें पूरा सच बता सकती है। एक मिनट। हाँ जगन, बोलो। अरे अरे, धीरे 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 धीरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा जगन, धीरे बोलो। क्या? ओके, काम डाउन, रिलैक्स। मैं अभी एक टीम भेजता हूं। ओके, मैं फोन करता हूं। ओके अदिति, तानी का आज मेहंदी फंक्शन है, लेकिन वो घर से गायब है। जगन बता रहा था कि वो कल से कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। रोहित भी कुछ बता नहीं रहा। मैं एक टीम भेज रहा हूँ तानी को ढूंढने के लिए। सर, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकती है, मैं भी उसे ढूंढती हूँ। चलो। चलिए सर। तानी, यहां क्या कर रही?
चलो। दानी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और वो यहाँ से बाहर जाएगी, मर जाएगी। ठीक है अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो, मैं उसे लेकर आ रही हूं, तुम तानी को चोट नहीं पहुंचाओ, मैं अभी लेके आती हूं। नीतू जी आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? अंजलि निवास। चलिए आइए। मुझे जाने दो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। नीतू जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना न जाने कितने बेकसूर मारे जाएंगे और शायद आप भी। मिथुन ने अंजलि के साथ शादी पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की थी, खास करके अंजलि निवास के लिए। फिर इसके बाबा के गुजर जाने के बाद मिथुन ने प्रॉपर्टी अपने नाम करनी चाहिए। मेरे पति और मिथुन इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। एक दिन पुलिस भी घर पे आ गई थी और मिथुन को थाने जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मिथुन ने यश की धमकी देके अंजलि को सिर पिला दिया। वो जोर जोर से चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन वो दोनों हंस रहे थे। फिर उसकी लाश को कहीं दूर जाके फेंका है। अंजलि का सच अभी तक छुपा हुआ क्यों था? क्योंकि मिथुन ने अंजलि को उसके रिश्तेदारों के साथ बात करने के लिए मना किया था, इसलिए उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। अंजलि के मरने के 2 दिन बाद मेरे पति भी गुजर गए। जब मैंने मिथुन को चिल्लाते हुए सुना और मैंने भाग के जाके देखा तो वहां अंजलि खड़ी थी। मैं डर गई, कहीं ये मुझे भी ना मार डाले, इसलिए मैं वहां से भाग गई, क्योंकि मुझे चिंता रहना था यश के लिए। अपने पति और बेटे के डर से आपने एक मासूम लड़की की बलि चढ़ने दी और पिछले 8 साल से अंजलि का सच छुपा कर रखा। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन अगर तुम इन्हें मार दोगे तो तुम्हारे यश का ख्याल कौन रखेगा? ये जैसी भी है, लेकिन इन्होंने तुम्हारे यश को बड़ा किया है। इनकी गलती की सजा मैं इन्हें दूंगी। इन्हें छोड़ दो, अपने यश के लिए छोड़ दो। बेटे मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। Thank you.
कल की शादी के लिए नर्वस हो तानी? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे पापा यहाँ अंजलि निवास में शादी के लिए तैयार हो गए। हाँ, मैंने पापा को कहा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस घर को भी कुछ अच्छी यादें और कुछ खुशियों की जरूरत है। अच्छा, आप आज रात के लिए रुक रहे हो ना मेरी मेहंदी की रस्म के लिए? कोशिश करूंगी, लेट्स होप उससे पहले कोई केस ना आ जाए।